हमें ऐसे राज्यों के राज अधिकारियों तक ये संदेश पहुंचाने की आवश्यकता है जो तन मन और धन से हिंदुस्तानी हो, जिनका इस अंग्रेजी साम्राज्य से कोई लेना देना ना हो, जो जिए भी हिंदुस्तान के लिए और मरे भी हिंदुस्तान के लिए। माँ तो अपने बेटे को दूसरों की नजरों से बचाती है, कहीं तुझे मेरी नजर न लग जाए। माँ पिताश्री कहाँ हैं? दरबार में वो अपने फिरंगी मित्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे होंगे। अपने बेटे से मिलने के लिए समय नहीं उनके पास। हमें उन सभी रियासतों को भी एकजुट करना होगा जिन्होंने स्वयं को असमर्थ मानते हुए इन फिरंगियों की कुटिल चालों के सामने अपने सर उनके समर्थन में झुका दिए हैं। सावधान, मोटके कुंवर युवराज दरबार में पधार रहे हैं। मेरे बेटे आप आ गए। आप बहुत ही सही वक्त पर पधारे हैं युवराज। आज मोठ के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के उच्च अधिकारियों के साथ साथ स्वयं गवर्नर साहब भी पधारे हैं। It's very nice to meet you indeed. Pleasure to meet you too, Prince of Moth. Soon ahe aap England se law graduate, hoka aap India aaya hai. Yes, of course. I've done my graduation from the London University. Then, young man, I'm sure that you can enlighten us on the legal aspects of the doings of this Ron Bakura. Who's Ron Bakura? A so-called Indian Robin Hood. वो British battalion और साहूकारों को लूटकर उनका धन गरीबों में बांटता है। छीन लो सारा सामान इनसे और बांट दो झांसी की प्रजा में। Well, what do you have to say? Well, actually, sir, Indians are largely uneducated people. हिंदुस्तानियों को ये भी नहीं पता कि ब्रिटिशर्स के बारे में माना जाता है कि उनके राज्य में सूरज कभी डूबता ही नहीं। उनके एडमिनिस्ट्रेशन का पूरी दुनिया में लोहा माना जाता है, लेकिन क्या करें? हिंदुस्तानियों की मेंटालिटी ही कुछ ऐसी है कि वो लोग दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं। अब इन मूर्खों को कौन समझाएगा कि ब्रिटिश ने हिंदुस्तान को एक नया एरा दिखाया है। ये छोटी छोटी लड़ाइयां करके रण बांकुरा जैसे म्यूटिनियर्स ब्रिटिश साम्राज्य को कैसे दबाएंगे? I think it's stupid. मैंने तो तेरे लिए एक सुंदर कन्या खोज के रखी है। बचपन में तू मेरे साथ उसी के बारे में चर्चा किया करते थे, याद है तुझे? हाँ माँ, बचपन से लेकर आज तक वो यादें मेरे मन से मिटी नहीं। उन्हीं यादों के सहारे जीता आया हूं और वही यादें लेकर मैं हिंदुस्तान वापस आया हूं। बचपन से ही उसके बारे में सोचता आया हूं, कभी उसे भूल नहीं पाया। आज तक उसकी छवि मेरे मन से उजल नहीं हो पाई। जब भी आंखें बंद करता हूं वही चेहरा सामने आ जाता है। यही सोच रही हो ना कि तुझे अपनी वही बचपन वाली कन्या चाहिए? हुँ? हाँ माँ, मुझे वही कन्या चाहिए। बाबा, दरबार तो न्याय घर होता है और हमने भी वही न्याय लिया जो हमें उचित लगा, इसलिए हमने उस विधवा को। अनु, यदि यही बात है तो अपने आप के साथ इतना अन्याय क्यों कर रही हो? अनु, तुम्हें पुनर्विवाह कर लेना चाहिए।